कपल ऐसा है जो कि बेहद ज़्यादा चर्चाओं का सिलसिला बना रहता है। चर्चाओं का सिलसिला ये कपल तब से बना है जब बीते साल के नवंबर महीने में लेक कोमो इटली में इन दोनों की शादी हुई है। बात कर रहे हैं हम आप सभी से दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के बारे में। नमस्कार, मैं हूँ अजय यादव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज़। हाल ही में रणवीर सिंह का बर्थडे गया है और रणवीर सिंह को उनके तमाम फैंस और साथ ही साथ बॉलीवुड सितारों ने बधाई दी है। इन बधाइयों के बीच एक सबसे स्पेशल बधाई है उनकी पत्नी दीपिका पादुकोण की। जी हाँ, बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने भी अपने हस्बैंड के बर्थडे पर उनको एक प्यारा सा बच्चा कह दिया है। जब से दीपिका और साथ ही रणवीर की शादी हुई है, इनको लेकर तमाम तरह की जो खबरें वायरल रही हैं, उन खबरों में सबसे टॉप पर एक खबर बनी रही है कि जल्द ही दीपिका पादुकोण माँ बनने वाली हैं और रणवीर सिंह पापा बन सकते हैं। हालांकि ये खबरें तमाम खबरों की तरह हवा में ही रह गई, अफवाहों में ही रह गई। इन सब से हटकर अब दीपिका ने किसको मेरा बच्चा कहा है और साथ ही साथ क्या कुछ चल रहा है रणवीर के बर्थडे को लेकर, क्या कुछ तमाम तरह की रिपोर्ट्स वायरल हो रही हैं रणवीर सिंह के बर्थडे को लेकर। और ये कपल दीपिका और रणवीर जो कि फैंस की लिस्ट में टॉप पर बना रहता है, आखिरकार इनसे जुड़ी अब क्या खबर वायरल हो रही है? आइए आपको अपने इस बेहद खास रिपोर्ट के जरिए पूरे मामले से रूबरू कराते हैं। रणवीर सिंह ने 6 जुलाई को अपना 34वां जन्मदिन मनाया है और तो और इस मौके पर पत्नी दीपिका पादुकोण ने भी उन्हें खास तरह से विश किया। अब बता दें कि दीपिका ने सोशल मीडिया पर रणवीर सिंह के बचपन की फोटो शेयर की है और इस तस्वीर में रणवीर बर्फ का गोला खाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ दीपिका ने रणवीर के लिए एक प्यारा सा कैप्शन भी दिया। दीपिका लिखती हैं, संवेदनशील और भावनात्मक, ख्याल रखने वाला और दयालु, उदार और सौम्य, मजाकिया और बुद्धिमान, रमणीय और वफादार, इन सब के साथ बहुत कुछ, मेरे पति, मेरे दोस्त, मेरे प्रेमी, मेरे विश्वास पात्र, लेकिन अधिक से अधिक बार नहीं, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा अनानास, मेरी धूप, मेरा इंद्रधनुष, तुम हमेशा के लिए हमेशा इस तरह से रह सकते हो, आई लव यू। वह सच में कैप्शन पढ़कर तो बेहद ज्यादा जहाँ खुशी महसूस होती है, तो वहीं इन लाइनों को पढ़कर लग रहा है कि भाई दीपिका पादुकोण ने पूरे तरीके से अपने पति रणवीर सिंह पर प्यार लुटाया है और उन्होंने ऐलान कर दिया है उनके बच्चे का। जी हाँ, दीपिका पादुकोण जिनकी माँ बनने की खबर बीते दिनों आ रही थी, भले ही वो नन्ना मेहमान उनके घर में ना आया हो, लेकिन रणवीर को ही अपना बच्चा वो मानती हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। इस बात से पता लगता है कि भाई दीपिका पादुकोण जो है किस तरीके से रणवीर की पत्नी के साथ साथ अलग तरह से उनसे प्यार लुटाती हुई नजर आई हैं। तो वहीं आपको बता दें कि रणवीर ने अपने जन्मदिन पर फैंस को एक बेहद खास तोहफा दिया। दरअसल रणवीर ने अपनी फिल्म 83 का फर्स्ट लुक रिलीज किया था। इस लुक में रणवीर सिंह हूबहू कपिल देव की तरह नजर आए। ये फिल्म साल 1983 में हुए वर्ल्ड कप पर आधारित है और इसमें रणवीर जो हैं कपिल देव का रोल अदा कर रहे हैं। बता दें हम सभी को कि इस लुक में रणवीर सफेद जर्सी पहने हुए नजर आए और उनके हाथ में एक बॉल भी। लुक को शेयर करते हुए रणवीर ने लिखा कि मेरे खास दिन पर प्रेजेंट करता हूं हरियाणा का तूफान कपिल देव। आपको ये बता दें कि फैंस को रणवीर का ये लुक बहुत पसंद आया है। बता दें आप सभी को कि साल 1983 में हुए क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। फिल्म के लिए रणवीर कड़ी मेहनत कर रहे हैं और तो कपिल देव ने खुद रणवीर को क्रिकेट की ट्रेनिंग दी। उन्होंने कपिल की तरह लगने के लिए उनके साथ वक्त बिताया और उनसे जुड़ी छोटी छोटी बातों को सीखने की कोशिश की। वहीं खबर इस तरह की है कि दीपिका भी इस फिल्म में कपिल की पत्नी का किरदार निभाएंगी। फिल्म को कबीर खान डायरेक्ट कर रहे हैं। खैर, बड़ी बात है ये जो कि दीपिका पादुकोण द्वारा शेयर की गई है। उन्होंने बच्चा जहां कह दिया है मेरा बच्चा, तो वहीं दीपिका पादुकोण माँ नहीं बनी है, उन्होंने रणवीर को ही अपना बच्चा कहा है।
खैर ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल Lexnine News के साथ, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप एक भी अपडेट मिस ना कर सकें।